अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेयर्स दैट इंडिकेट द अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या है, वो टेक्निक है जो हम सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एवरेज देखते हैं। बेसिकली एवरेज हमारे पास क्या है, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑल द डेटा। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट का टेस्ट अगर लिया जाता है, कोई भी एक टेस्ट है हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स का, उसमें उनके मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं अगर उसकी एवरेज ले तो 45 हमारे पास एवरेज आ जाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स का जो रुझान है, यानी कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स हैं। यानी कि उसकी एवरेज वो क्या शो कर रही है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट जो मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो क्या है, यानी कि उनकी एवरेज क्या है, अच्छी है। जो एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि जो 45 मार्क्स है हमारे पास, इसकी एवरेज है। ठीक है, 45 स्टूडेंट्स की एवरेज है ना हमारे पास, तो वो क्या कर रही है, स्टूडेंट्स को पूरी क्लास को वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है, उनकी एवरेज क्या है। ठीक है, एवरेज जो है, एवरेज को मेयर ऑफ लोकेशन और मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, फॉलोइंग मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स हैं, एवरेज की टाइप्स हैं या इसकी मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट एवरेजेस हैं। ये वैल्यू डेटा के सेंटर का आइडिया देती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज क्या होती हैं, हमारे पास से एक सेंटर वैल्यू देती हैं, इसका रुझान सेंटर की तरफ होता है। अगर ये सेंटर वैल्यू एग्जैक्ट ना भी दे, लेकिन इसका जो रुझान होता है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है। इन पांचों टाइप में से कोई भी टाइप लेके हम डेटा को फाइंड करेंगे वो सेंटर के करीब कर हुआ करते। ठीक है, अगर वो सेंटर में ना भी हो तो वो सेंटर की तरफ इनका रुझान होगा। ये डेटा के सेंटर को लोकेट करती हैं और डेटा के सेंटर का आइडिया देती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो क्या होती है, उसके सेंटर में होती है। कि सेंटर में ना भी हो तो वो सेंटर को क्या करती है, लोकेट कर रही होती है, और इनका रुझान डेटा के सेंटर हुआ करते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें इसकी जो टाइप्स हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वो है अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी डेटा होता है उनमें सब वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ऐड करके और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो 8 वैल्यूज हैं, ठीक है, उन सब वैल्यूज का हम सम करेंगे और उसको डिवाइड भी कर देंगे 8 से। ठीक है, 8 वैल्यू होंगी तो 8 से, 10 वैल्यूज होंगी तो 10 से। अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है अनग्रुप डेटा के लिए वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्या है, मीडियन। मीडियन हमारे पास क्या होता है, यानी कि मिड वैल्यू। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज एन अरेंज डेटा सेट। ठीक है, हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, और उसमें से जो मिड वैल्यू होती है वो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास हो जाती है मीडियन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जब ऑब्जर्वेशन होती है उसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करके उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मिड वैल्यू होती है वो हम ले लेते हैं मीडियन, वो हमारा आ जाता है मीडियन। ठीक है, मोड। मोड हमारे पास क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो वैल्यू जो डेटा में ज्यादा टाइम यूज हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, मोड हमारे पास, अगर हमारे पास जो है मोड एक वैल्यू है तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिमॉडल, और अगर मोड की दो वैल्यूज तो वो बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, और दो से ज्यादा वैल्यू होंगी तो वो हमारे पास क्या होगी, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा में सब वैल्यूज सेम रेपिटेशन के साथ रिपीट, सेम रेपिटेशन हो रही है, यानी कि एक वैल्यू 3 टाइम है तो 3 टाइम सारी वैल्यूज हों, 4 है तो 4 टाइम सारे, मतलब कि कोई भी वैल्यूज सेम टाइम उनकी रिपीटेशन हो रही हो, तो हमारे पास यानी कि उस ऑब्जर्वेशन का कोई मोड नहीं होता। ठीक है, सेम रिपीटेशन हो तो मोड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव
ठीक है, इसमें तमाम वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इनका प्रोडक्ट लेके उतना रूट जितनी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसकी पावर हम ले लेते हैं, उन्हीं पावर से हम उसको क्या उतनी ही उसकी हम पावर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 वैल्यूज हैं तो उसकी पावर में हम 1/8 करके उसका रूट ले लेते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू जो होती है वो जीरो नहीं होती, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या है कि वो टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी कि एवरेज है हमारे पास। एवरेज क्या होती है, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है ऑल डेटा को, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी ली है, ठीक है, इसको एवरेज को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जा सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा है, सिंपली हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड और ज्योमेट्रिक मीन देखा। ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।